हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तीन बड़ी खबरें वोडाफोन आइडिया के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं तीन खबरों के चलते कल हमें भारी उठक पुठक देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। जिस तरह का यहाँ पे ग्लोबल बाजारों में भी माहौल बना हुआ है, जिस तरह का भारतीय बाजारों में भी माहौल बना हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पे खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी उठक पटक वोडाफोन आइडिया में दिखाई दे सकती है। पर्टिकुलर लेवल के बारे में बताऊंगा कि कौन से लेवल को पकड़ करके आप बाइंग और सेलिंग वोडाफोन आइडिया में कल कर सकते हो। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करूंगा हमेशा की तरह कि यहाँ पे क्लोजिंग कैसी देखने को मिली वोडाफोन आइडिया की। तो क्लोजिंग आपके सामने है एकदम फ्लैट, ₹10.60 के आसपास क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी हाँ, ₹10.60 के आसपास, तो एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। ऊपर भी गया था, नीचे भी गया था, परंतु डे एंड होते होते गिरावट के बाद रिकवरी दे करके बंद होता हुआ दिखाई दिया था। कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे बताऊँ तो NSE की वेबसाइट पे डेफिनेटली लेकर के आए हूँ। यहाँ पे ₹10.60 के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग ₹10.60, ओपन ₹10.65, हाई ₹10.75, और यहाँ पे लो की बात करें ₹10.40। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें 9,36,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, 2,65,00,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 28.5% के आसपास की है। 28.5% की डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप में डिसेंट। तो यहाँ पे खबरें क्या हैं उन्हीं के बारे में डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे एक खबर है जो नेगेटिव है, वोडाफोन आइडिया लॉस टू राइवल्स इन येट अनदर एरिया। मतलब कि काफ़ी ऐसे एरियाज है जहाँ पे वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल और जियो से पीछे रह चुका है, और एक यहाँ पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और एक एरिया है जहाँ पे वोडाफोन आइडिया पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू द भारतीय एयरटेल एंड जियो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि VLR सब्सक्राइबर परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पे जो एक्टिव सब्सक्राइबर यूजर हैं उनकी कंपेरिजन में यहाँ पे अभी जियो उनसे आगे निकल चुका है। तो सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल था, इसके बाद वोडाफोन आइडिया था, परंतु अभी यहाँ पे उस अभी जियो ने उसका नंबर ले लिया है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पे सरक चुका है और जियो ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की साइड निकाल दी है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जियो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया से, जो ये पहलू में पीछे था कहीं ना कहीं, परंतु अभी वो दूसरे पायदान पे और वोडाफोन आइडिया तीसरे पायदान पे रहेगा। भारतीय एयरटेल अभी भी नंबर वन पोजिशन पकड़े हुए हैं। दूसरी खबर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, दूसरी खबर यहां पे आपके सामने है, वोडाफोन इंडिया डेमोस्ट्रेट 5G वॉइस ओवर न्यू रेडियो कैपेबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रायल। गांधीनगर में ट्रायल हुआ है दोस्तों यहां पे 5G का, उसमें सक्सेसफुली यहां पे बात करें यहां पे तो वॉइस ओवर न्यू रेडियो VoNR कैपेबिलिटी के ऊपर, यहां पे टेक्नोलॉजी के ऊपर वोडाफोन इंडिया और नोकिया ने मिलकर 5G का ट्रायल कंप्लीट किया है गांधीनगर गुजरात में, ऐसी बातें बोली जा रही है। तो एक खबर थी पॉजिटिव, एक खबर थी नेगेटिव, अभी और एक खबर है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। जियो वांट्स हायर स्पेक्ट्रम कैप, एयरटेल एंड वीआई डिसएग्री। मतलब कि यहाँ पे आगे जाकर के अभी कुछ महीनों में 5G का स्पेक्ट्रम आने वाला है, जिसमें यहाँ पे जियो ने ऐसी डिमांड करी है कि जो स्पेक्ट्रम के कैप है उसको 35% अभी रखा गया है, उसको बढ़ा करके जी हाँ 50% कर दिया जाए, क्योंकि जियो के पास पैसे है, उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो उसको तो कोई दिक्कत है नहीं। परंतु यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने इस बात से साफ साफ मना किया है, और उन्होंने यहाँ पे TRA को लेटर भी लिखा है कि यहाँ पे जिस तरह का 35% के ऊपर कैप है उसको कंटिन्यू रखा जाए, 50% डेफिनेटली ना किया जाए। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एक पेज पे है, जियो एक पेज पे है। तो जियो चाहता है कि 50% कैप की जाए, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल चाहता है कि 35% की जाए। तो देखने वाली बात होगी कि TRA इसके ऊपर क्या डिसीजन लेके आता है। हालांकि अभी बात करें तो 35% ही यहाँ पे स्पेक्ट्रम कैप रखी गई थी अभी तक। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर क्या अपडेट निकल करके आती है। चार्ट पे ले जाऊंगा सीधा, और चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की है वो बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे। तो दोस्तों वोडाफोन डे के चार्ट पे लेके आया वो गिरावट, उसके बाद तेजी, और अभी बात करें तो एकदम रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी। आज आप देखें तो ₹10.40 के आसपास का लो बनाया, मैंने कल ही बोला था ₹10.50 से लेके ₹35 का जोन सपोर्ट जोन है, तो वहीं पे आया और यहाँ पे जो लो बनाया ₹10.40 के आसपास का, उसके बाद हाई ₹10.70 का बनाया। तो 3-4% का मुनाफा अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी होगी तो आज आपको मिला होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से ही आपको बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी।
कल भी सेम है, अभी भी यहाँ पे 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 35 पैसे का जोन दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग जोन के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन सी बन रही थी जिसका ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। मुझे लगता है 10 रुपये 85 पैसे से लेकर 11 रुपये के टारगेट पे डेफिनेटली आने चाहिए। आपको SL रखना है 10 रुपये 35 पैसे से नीचे है, टारगेट है आपका 10 रुपये 85 पैसे से लेकर 11 रुपये का। इसके ऊपर सस्टेन होगा तो फिर 11 रुपये 45 पैसे 50 पैसे और नीचे की तरफ और एक सपोर्ट 10 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाली रेंज टूटती है तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था RSI का लेवल 53 के आसपास का है, तो अभी धीरे धीरे RSI का लेवल स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों इन लेवलों को वॉचआउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।